हनुमान चालीसा का पाठ करते ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। रामनवमी जुलूस के बाद अब हनुमान जयंती पर भी प्रदेश में बवाल मच गया है। दरअसल ये मामला यमुनानगर का है, जहां कुछ लोगों ने हनुमान जयंती का झंडा जला दिया। फिर क्या था, जैसे ही इस बात की खबर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों तक पहुंची, तो देखते ही देखते भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग यमुनानगर के बुढ़िया थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। दरअसल झंडा जलाने का आरोप दूसरे समुदाय पर लगा है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। अब हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी विस्तार से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि हनुमान जयंती के दिन बीबीपुर गांव में एक पक्ष ने जय श्री राम के नारों और घरों पर हनुमान जयंती का झंडा लगाने पर ऐतराज जताया। इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान पीस कमेटी बुलाई गई, जिसने ये निर्णय लिया कि इस तरह के किसी भी विवाद को हवा न दी जाए, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया। लेकिन बुझी हुई चिंगारी ने तब आग पकड़ ली जब एक हिंदू परिवार के साथ मारपीट की गई और उनके घर पर लगे हनुमान जयंती का झंडा उतार कर जला दिया गया। हिंदू संगठन से जुड़े राजेश ने बताया कि एक हिंदू परिवार के साथ हनुमान जयंती के दिन मारपीट की गई, उनके घर पर लगा झंडा उतारा गया और उसे जला दिया गया, जिसके विरोध में हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। देखिए बीपुर गांव से हमारा संगठन है जय मान सिन्हा, और हमें पता लगा कि एक हमारे हिंदू घर से हनुमान जी का झंडा हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन हटाया गया और उनके साथ मारपीट की गई, उनके उन्हें हनुमान मंदिर जाने से रोका गया। इस उपलक्ष्य में जितने भी हिंदू हैं सभी भाई वो सारे इकट्ठे हो गए। तो क्या झंडा जलाने का कोई मामला सामने है? झंडा जलाया है, झंडा जलाया है, मारपीट की गई है, पंचायत में मारपीट की गई, तीन मामले, तीन तीन मामले। जय श्री राम का नारा ना लेने का उनको बोल लगे जी झंडा नहीं लगेगा, जय श्री राम ना लेने का। देखिए डीसपी साहब ने हमें हमारा पानी भर गया आश्वासन दिया है कि कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई हो जाएगी, जो दोषी हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। अगर अरेस्ट नहीं होते तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, अभी जितने साथी हैं इससे 10 गुना संख्या में यहां पर थाने का घेराव होएगा, सड़क जाम। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश भी की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी राजीव ने बताया कि बीबीपुर गांव में कुछ लोगों ने झंडे को जलाया था, जिसके बाद गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुढ़िया थाने के अंतर्गत एक गांव बीबीपुर पड़ता है, वहां पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। इस इंसिडेंट पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर की है। जहां तक तनाव की बात है, तनाव कोई गांव में ऐसा नहीं है। कल ही पुलिस ने वहाँ गांव में एक पीस कमेटी की मीटिंग करके इस चीज़ को इंश्योर किया कि फर्दर कोई तनाव ना हो। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, एफआईआर इसमें एफआईआर नंबर 66 रेलिवेंट सेक्शंस में दर्ज है और पुलिस लगातार रेड कर रही है। जल्द से जल्द इन जो आरोपी हैं नामजद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें आरोप ये है कि जो पहले तो कोई झंडा जलाने को लेकर कोई कहा सुनी हुई थी, उसके बाद एक पंचायत भी हुई थी, पंचायत में अपना ये मामला निपट गया था, परंतु फिर दोबारा कुछ लड़कों ने जो 7 नामजद हैं इन्होंने अपना इनके साथ मारपीट करी है, तो उसके बाद फिर अपना इस पे एफआईआर जैसे ही पुलिस के पास सूचना आती है उसी टाइम एफआईआर रजिस्टर होती है और उसकी अनुसंधान को इनिशिएट किया जाता है। अभी जैसे कल परसों रात की ही ये हमारे पास रिपोर्टिंग है और अब इसमें पुलिस लगातार रेड कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। ये कुछ लोग यहाँ आए थे प्रदर्शन करने, वह घेराव नहीं कहूँगा, उन्होंने प्रदर्शन किया है, उनकी एक डिमांड थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो उसमें अपना मैं बता चुका हूँ, जैसे पुलिस तभी से प्रयासरत है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रही है, प्लस इसमें जो न्याय संगत कार्रवाई बन रही है वो भी साथ के साथ चल रही है, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नहीं, वो ये एक झंडा जलाने का मैटर था, उसके बाद जो बाद में इनका विवाद हुआ है कोई शोभा यात्रा के दौरान, कोई वहाँ उसके दौरान कोई भी रिपोर्टेड नहीं है। बाद में कहा सुनी इनकी हुई है, कहा सुनी के बाद जो पंचायत भी हुई थी पर मारपीट हुई है और पुलिस के पास सूचना जब आई है ये मारपीट होने के बाद आई है, पहले नहीं। बहरहाल रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर हुए इस बवाल का दूध और पानी का पानी जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।